इस विशाल दुनिया के अंदर एक से बढ़कर एक अनोखे जानवर देखे जाते हैं, जिनमें से कुछ को तो हम काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वहीं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आसानी से नहीं देखने को मिलते। तो वहीं कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें सालों से विलुप्त कगार कर दिया गया है और फिर अचानक से देखे जाने पर इस जीवों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही जीवों को लाने वाले हैं जिन्हें बहुत पहले ही विलुप्त मान लिया गया है, लेकिन ये आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, सीलाकांट। सीलाकांट नाम की इस मछली की कहानी तो सबको हैरान करने वाली है। दरअसल कई लाखों साल पहले इस मछली को विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन साल 1938 में इसे साउथ अफ्रीका की एक नदी चालुमना के किनारे पर देखा गया। इस मछली को लेकर कहा जाता है कि सीलाकांट का अस्तित्व 60 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ ही खत्म हो गया था, लेकिन ये जिंदा कैसे है ये आज तक किसी को भी समझ नहीं आ पाया। सीलाकांट के बारे में बता दें, ये करीब 100 सालों तक जिंदा रह सकती है। वहीं पानी में करीब 300 फीट की गहराई के अंदर तक गोता लगा सकती है। इसे दुनिया के सबसे बड़े जबड़ों वाली मछलियों में से एक माना जाता है, और इस खासियत के चलते ये अपने मुँह को अधिक चौड़ा कर बड़े शिकार को भी खा सकती है। नंबर 2, अरेकन फॉरेस्ट टर्टल। इस कछुए का संबंध म्यांमार से माना जाता है। विलुप्त बताए जाने से पहले इस प्रजाति को साल 1907 में आखिरी बार देखा गया था, और इसके बाद लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि कभी इसे दोबारा देख पाएंगे, लेकिन साल 1994 में ये फिर से चाइना के एक फूड मार्केट में देखने को मिला और सभी को यकीन हो गया कि ये प्रजाति अभी विलुप्त नहीं हुई है। बताया जाता है कि ये कछुए मूल रूप से पश्चिमी म्यांमार की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, लेकिन लोगों ने इनका इस्तेमाल चिकित्सा के कामों में किया है और इसी कारण इनकी जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा लोगों में इनकी मांग खाने को लेकर भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते एशिया के ब्लैक मार्केट में इसे बहुत ज्यादा बेचा और खरीदा जाता है। इसलिए ये जीव फिर से गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। नंबर 3, चकोन पैकरी। इस अनोखे जीव की पहचान साल 1930 में मिले अवशेषों द्वारा की गई थी, और इसके बाद जब ये कहीं देखने को नहीं मिला तो इसे विलुप्त मान लिया गया, लेकिन साल 1975 में ये वैज्ञानिकों द्वारा फिर से देखा गया, जिसके बाद सब हिल गए। काफी हद तक किसी सुअर की तरह दिखने वाला ये चकोन पैकरी दक्षिण ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना और चको में देखने को मिल सकते हैं। कभी विलुप्त हो चुके इस जीव की संख्या आज धरती पर 3000 तक पहुंच चुकी है। इसके मुंह के आगे का हिस्सा थूथन कहलाता है, जो काफी ज्यादा सख्त होता है, और इसकी मदद से ये कांटेदार झाड़ियों और पौधों को भी खा सकता है। वहीं इनके शरीर की बात करें तो इसके पीठ पर गहरे रंग की धारियां, लंबे कान और छोटी पूंछ होती है। इसके बाल भी काफी सख्त होते हैं। आमतौर पर चकोन पैकरी का वजन 35 किलो तक होता है। नंबर 4, हिमालयन सिरो। विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में एक नाम हिमालयन सिरो का भी कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश की एक घाटी में नजर आकर इसने सभी को हैरानियत में डाल दिया है। हिमालयन सिरो एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है। कुछ समय बाद देखे जाने पर इसे विलुप्त हो चुकी श्रेणी से विलुप्त होने वाली श्रेणी में डाल दिया गया है, लेकिन वहीं सरकार ने तो इसके शिकार पर भी पाबंदी लगा रखी है। इसके बारे में बताते तो ये काफी हद तक किसी बकरी से मिलता जुलता है। नंबर 5, टकाए। नीले और हरे रंग वाले इस पक्षी को टकाए के नाम से जाना जाता है। दिखने में काफी खूबसूरत इस पक्षी का शिकार किए जाने के चलते इसकी संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही इंसानों के विकास के कारण इसके घर भी नष्ट कर दिए गए, जिसके बाद साल 1898 में इसे विलुप्त मान लिया गया, लेकिन करीब 50 सालों के बाद ये पक्षी एक पहाड़ के नजदीक घास के मैदानों में देखा गया, और अब इन्हें न्यूजीलैंड के एक पार्क में देखा जाता है। इन पक्षियों की एक और खास बात है, इनके पंख होने के बावजूद ये इनका इस्तेमाल अपना प्यार या गुस्सा दिखाने के लिए ही किया करते हैं। फिलहाल इन पक्षियों की संख्या लगभग 400 के करीब बताई जाती है, जिसके चलते ये भी विलुप्ति की कगार वाले जीवों में से एक है। आशा करते हैं कि आपको ये विलुप्त होने वाले जीवों पर बनी वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें।